नमस्कार दोस्तों, मैं स्मिता और आपका अपने चैनल जायका गजब का में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ अपने बचपन की रेसिपी शेयर करूँगी। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है और मैं टिफिन में इसको बहुत ज़्यादा लेके जाती थी। तो आज मैं आपके साथ ब्रेड से दो मीठी रेसिपी कैसे बना सकते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए बनाते हैं ब्रेड से मीठी मीठी रेसिपी। यहाँ पर मैंने दो ब्रेड लिया है और इसको हम तिकोना कट कर लेंगे। इस तरह से चलिए अनस्टिक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी इस तरह से लगा देंगे। यहाँ पे मैंने चीनी ली है, अब थोड़ी सी चीनी हमें इसके ऊपर डाल देनी है और इसे हमें कैरेमलाइज करना है। ये देखिए इस तरह से, गैस का फ्लेम लो पे ही रखेंगे और इस चीनी को हमें अच्छी तरह से गला देनी है। ये देखिए चीनी गलना शुरू हो गई है और इसको हम चलाते ही रहेंगे और इसको हमें अच्छी तरह से गलाना है। चलिए अब यहाँ पे मैंने मक्खन लिया है और करीब थोड़ा सा हम इस पर मक्खन भी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसको हमें तवे पे अच्छी तरह से फैला देना है। इस तरह से हम इसको तवे पे थोड़ा दूर तक फैला देंगे। अब जो हमने ब्रेड को कट किया है उसको एक बार इस तरह से करके और इसको हम शेक लेंगे। चीनी बहुत गर्म होती है इसलिए ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से करना है। और अब हमें इसको धीमी धीमी आंच पे सेकना है। ये देखिए ब्रेड बहुत सॉफ्ट थी, ये टूट गई है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें तोड़ के ही खाना है। अब हम थोड़ा सा घी ऐसे ऊपर से डाल देंगे। हमें इसको धीमी धीमी आंच पे ही सेकना है, कहीं भी हम आंच को तेज नहीं करेंगे, तभी इस रेसिपी को खाने में मज़ा आएगा। देखिए हल्के हाथों से इसको हम अब दूसरी तरफ के लिए पलट देंगे। ये ब्रेड खाने में बहुत मज़ा आता है, पर्सनली मुझे तो बहुत आता है और मैं इसे टिफ़िन में बहुत लेके जाती थी। आज भी अगर घर पे ये बनती है तो मैं बहुत खाती हूँ इसे। ये देखिए अब इसी तरह से हमें इसको दोनों तरफ से सेकना है। थोड़ा सा घी हम यहाँ पे और लगा देंगे। हमें दोनों तरफ से उलट पलट करके सेकना है। इसको हमें दोनों तरफ से धीरे से उलट पलट करके और गोल्डन होने तक सेकना है। ये देखिए दोस्तों, बच्चों के लिए मीठी मीठी ब्रेड बनके तैयार है। चलिए अब इसको किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, इसको पहले आप इस तरह से कटोरी पे रख दीजिएगा कि जिससे कि जो इसमें भाप है वो निकल जाए, और जब भी आप इसको टिफ़िन में सर्व कीजिए तो इसको ठंडा करके ही सर्व कीजिए, नहीं तो वो भाप बनने से ये काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखा दोस्तों इसको बनाना कितना आसान है। चलिए अब इसी ब्रेड से हम दूसरी रेसिपी भी बनाते हैं। यहाँ मैंने सेम तवा लिया है और उस पर हम करीब एक चम्मच घी डाल देंगे इस तरह से। यहाँ मैंने दो ब्रेड ली है, उसको हम सेक लेंगे। ये सब रेसिपी बनाना बहुत आसान है और मुझे पसंद है, तो मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी। चलिए ये देखिए, इसको हमें दोनों तरफ से पहले हल्का हल्का सेक लेंगे। ये देखिए इस तरह से, गैस का फ्लेम मैंने लो पे ही रखा है क्योंकि लो पे ब्रेड बहुत अच्छी सिकती है। ये देखिए अब यहाँ पे जो हमने चीनी मिला दूध लिया था, ये देखिए चीनी भी लगभग गल चुकी है, उसको हम इस ब्रेड के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। ब्रेड को मैं अच्छी तरह से भिगा देना है, कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। अब बस इसको हमें एक ही तरफ से करना है, नीचे तक दूध अपने आप चला जाएगा। ये देखिए
एक बार आप बना करके तो देखिए, वाकई ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। मैंने ब्रेड को अच्छी तरह से भिगा दिया है और अब हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। आप बटर का भी यूज कर सकते हैं। और अब हमें इसको धीमी धीमी आंच पे सेकना है। चलिए ये देखिए, अब हम इसको पलटते हैं। इसको थोड़ा सावधानी से पलटना होता है क्योंकि ये ब्रेड काफ़ी साफ होती है, इसलिए मैंने एक पलटा लिया है और उस पर इस तरह से इसको मैंने करके ये देखिए। आप इसको कट करके भी बना सकते हैं, वो भी आसान होता है बनाना। और अब हम थोड़ा सा घी इधर से भी डाल देंगे और दोनों तरफ से हमें इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। ये सॉफ्ट सॉफ्ट ही होता है, ये देखिए, इसीलिए दोस्तों मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेरा वीडियो पूरा देखा कीजिए क्योंकि कुछ टिप्स होते हैं। चलिए दोस्तों, इसके ऊपर थोड़ा सा हम मक्खन लगा देते हैं। मक्खन में नमक होता है जो कि इसके टेस्ट को थोड़ा और बढ़ा देता है, इस तरह से। और फिर हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी मक्खन लगा देंगे। ये देखिए, एक तरफ से ये सिक गया है अच्छी तरह से, ये देखिए। अब इसके ऊपर भी हम हल्का सा ही बटर लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। चलिए अब इसको बस हमें 1 से 2 मिनट तक के लिए और सेकना है। ये देखिए दोस्तों, ब्रेड बनके तैयार है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ब्रेड को हम इस तवे पे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और जब भी हम इसको पैक करेंगे तो ठंडा ही हमें इसे पैक करना है। बस बीच में एक आध बार आप पलट दीजिएगा क्योंकि तवा गर्म होता है। और अब हमें इसको पूरी तरह ठंडा कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, दूध ब्रेड को भी मैंने तिकोना कट करके टिफिन में पैक कर दिया है और ये तो पहले से ही तिकोना कटा हुआ था। तो देखा इसको बनाना कितना आसान है। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसे बचपन की झटपट फटाफट बनने वाली रेसिपी है जो आप टिफिन में लेके जाते हो, तो आप प्लीज उसकी रेसिपी मेरे साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और मैं उसे अपने वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।